सीखेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जानने के पहले एक चीज़ और जान लो थोड़ा इसमें तक, वो ये बताओ सब लोग से एक साथ क्वेश्चन सुनना कि जैसे मान लो कि एक मतलब गैस के अपन ने दोनों बर्नर चालू कर दिए, ठीक है, और एक गैस में अपन ने क्या किया, सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब ऐसा किया, देखिए अपन ने दो बर्नर लिया, एक में अपन ने क्या ले लिया, एक लीटर वाटर, ठीक है, और अपन इसको टेम्परेचर देना शुरू किए, एक दूसरा बर्नर लिया, अपन इस दूसरे बर्नर में एक लीटर ही लिया लेकिन वाटर प्लस मिल्क दोनों मिला के एक लीटर लिया, तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। ये हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया सॉल्यूशन, अपन इसको भी टेम्परेचर दे रहे हैं, अपन इसको भी टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि इन दोनों को यदि अपन सेम टाइम पे, मतलब इस तरह से दो बीकर हैं, अपन ने गैस को चालू किया, दोनों को रख दिया, तो ज़्यादा जल्दी कौन सा बॉईल होगा। देखो मतलब ज़्यादा जल्दी कौन सा बॉईल होगा, मतलब ज़्यादा जल्दी कौन सा वेपर बनाएगा, जो वेपर बनाएगा वही वेपर प्रेशर होगी, तो बताओ ज़्यादा जल्दी कौन सा बॉईल होगा, है कौन सा वाला, ये वाला ज़्यादा जल्दी वेपर बनेगा, मतलब ये जल्दी बॉईल होगा, और जैसे ये बॉईल होगा तो सुनो, जब ये बॉईल होगा तो क्या बनाएगा, ऊपर वेपर, ऊपर क्या बनाएगा, वेपर, और ये वेपर जब ऊपर उठेगी तो इसके सरफेस पे क्या लगाएगी, प्रेशर, तो डेफिनेशन हो जाएगा वेपर प्रेशर, यहाँ प्रेशर लगाएगी, यहाँ प्रेशर लगाएगी, तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर अप्लाई ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, एट फिक्स टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर आपको फिर कांस्टेंट कर देना है, तो जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाती है तो हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। सबको क्लियर हुआ, इतनी डेफिनेशन सबकी क्लियर हो गई, ठीक है, बोलो एक बार, यदि ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना, मैं फिर बताता जाऊँगा, लिखते जाना। अब ये बताइए, हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, तो इस वेपर का जो प्रेशर है हम इसको क्या बोल सकते हैं, पी नॉट ए, मतलब कि प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और जहाँ भी प्योर का नाम आएगा, आप चाहे प्योर वेपर प्रेशर बोलो या प्योर प्रेशर बोलो, समझ जाना, तो पी नॉट ए प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, जब हमने सिप और सिप क्या लिया, सॉल वाटर लिया। अब अपन ने क्या किया, एक दूसरे कंटेनर में, एक दूसरे कंटेनर में अपन यहाँ पे सिप और सिप मिल्क ले लिया, और यहाँ पे अपन ने मिल्क को बोल रहे हैं सॉल्यूट, क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट, मैंने इसको यहाँ भी टेम्परेचर दिया जो कि हमारा कांस्टेंट था, जब मैंने यहाँ टेम्परेचर दिया तो जो मिल्क बना हुआ भरा हुआ था तो मिल्क की भी क्या बनेगी, वेपर, क्या बनेगी, मिल्क की वेपर, और मिल्क की जो वेपर बनेगी तो हम इसको बोलेंगे पी नॉट बी, मतलब क्या बोलेंगे, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब अपन ने क्या किया, ये हो गया हमारा केस पहला कंटेनर, ये हो गया मान लीजिए दूसरा कंटेनर, अपन ने तीसरे कंटेनर में क्या किया, इसको और इसको दोनों को मिला के हमने बना दिया सॉल्यूशन, मतलब ए प्लस बी, क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया ए प्लस बी, तो जो इसका प्रेशर हो जाएगा, हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, बताइए सही है क्या, कौन कौन को लगता है सही है, कौन कौन को लगता है सही नहीं है, इसका प्रेशर ए था, इसका प्रेशर बी था, अपन ने यहाँ पे मिला दिया, सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जो टोटल प्रेशर हुआ ए प्लस बी के इक्वल, मतलब प्योर प्रेशर ऑफ ए प्लस प्योर प्रेशर ऑफ बी, सही नहीं है, लेकिन रीजन नहीं पता कि क्यों, हम्म,
क्योंकि यहाँ पे ऐसा तुमको पता है लेकिन फिक्स रीजन क्या होगा इसका, यदि पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी नहीं आएगा तो क्या जाएगा आंसर, हाँ पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। अब समझना क्या था, ये हमारा प्योर प्रेशर है, ये भी प्योर प्रेशर है। जैसे ही आपने मिल्क को और आपने वाटर को यहाँ पे मिलाया तो अब यहाँ पे ना तो मिल्क प्योर है ना वाटर प्योर है, मिल्क भी इम्प्योर हो गया क्योंकि मिल्क में वाटर मिल गया, वाटर भी इम्प्योर हो गया क्योंकि वाटर में मिल्क मिल गया। तो जो आपको यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा, जो भी आपको यहाँ प्रेशर मिलेगा ना, ये प्रेशर मिलेगा आपको पी डैश ए, मतलब हम इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब पी डैश बी को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, पार्शियल प्रेशर और प्योर प्रेशर में रिलेशन क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कोई सा भी कंपोनेंट ले लो जो पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पी डैश ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो आ जाएगा पी डैश ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी डैश बी इक्वल टू होता है पी डैश बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ये हो जाएगा पी डैश बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो हो जाएगा पी डैश बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अभी ये सब काम आने वाले हैं बहुत। देखो अभी मैं ये पूरा बताऊंगा फिर से, अभी अपने को सिर्फ क्या समझना था कि अपने को समझना था कब हम प्योर लेंगे कब हम इम्प्योर लेंगे, कब प्योर लेंगे इम्प्योर को हम पार्शियल बोल रहे हैं। तो जब भी आप प्योर पानी ले रहे हो तो हमारा बनेगा पी नॉट ए, मतलब प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आप दूध ले रहे हो तो क्या बनेगा, प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। आप दोनों को मिला दिए तो ना तो ये प्योर पानी बचेगा ना ही प्योर दूध बचेगा, तो हमारा हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। क्या हो जाएगा, अब मेरे को पता है। तो देखो वेपर प्रेशर तीनों जगह डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, मतलब वेपर प्रेशर तीनों जगह अप्लाई हो रही है। देखिए वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड फॉर सॉल्वेंट, लिक्विड फॉर सॉल्यूट, लिक्विड फॉर सॉल्यूशन। समझ में आया, तो हमारी जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तीनों के लिए बनेगा। लेकिन यदि हम आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग ले रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, प्योर। लेकिन यदि आपने मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, पार्शियल। समझ में आ गया, तो पहले इसको नोट करो फिर अपन हेडिंग डालेंगे राउल्ट्स लॉ और पूरा का पूरा राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ और, यदि मान लो अपन ने एक और सॉल्यूशन लिया, एक और मतलब अपन ने लिया, देखिए अपन यहाँ पे लिए थे पहले सॉल्वेंट, क्या लिए थे अपन यहाँ पे पहले, अपन ने यहाँ पे लिया था सॉल्वेंट मतलब वाटर, अब अपन ने इसमें मिला दिया शुगर, क्या मिला दिया इसमें शुगर, तो अब ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, अब ये बताइए ये जो हमारा मिला ना सॉल्यूशन, मतलब कि हमने पानी में शक्कर मिला दिया और सिंपल पानी था, जल्दी कौन वेपर बनाएगा, सिंपल वाला पानी वाला, ठीक है। अब एक चीज़ सुनना, जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे तो राउल्ट्स लॉ के दो केस हैं, पहला केस दोनों ये और दूसरा केस ये, मतलब राउल्ट्स लॉ के दो केस आएंगे। पहला केस आएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो दोनों वेपर बनाएं, और दूसरा केस आएगा कि सॉल्वेंट जो है लिक्विड हो और सॉल्यूट है ना नॉर्मल। अभी 24 तारीख को एग्ज़ाम था जेई का, पहले केस से अभी मैं करवाऊँगा, वही मैं हर साल करवाता हूँ, उसी क्वेश्चन आया था, मैं तुम लोगों को दिखाऊँगा अभी। दोनों फैक्टर को समझो,
पहला फैक्टर है देखो वेपर प्रेशर के लिए, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, है ना, पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। इसको समझो, जैसे देखो अपन यहाँ सीख रहे हैं कि किस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अपन ने वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, क्या ले लिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिए। वाटर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन मटेरियल होता है क्योंकि उसका फार्मूला होता है। इस तरह से अपन ने देखो वाटर ले लिया, ठीक है। अब जब मैंने वाटर लिया तो इन दो वाटर के मॉलिक्यूल्स की बीच की डिस्टेंस इतनी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे ना, जैसे अपन इसको टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पे जब इसका वेपर बनेगी तो वेपर बनने से पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को टूटेगा। यदि ये वाटर ऊपर वेपर बन के उड़ रही है, मतलब यही पानी ऊपर जाएगा ना उड़ उड़ के, जो यहाँ पे वाटर है जो ऊपर वेपर, कभी आप वेपर में ऐसे हाथ करो देखो हाथ में पानी चिपक जाता है, तो जो ऊपर वेपर बन रही है वो यही पानी जा रहा है। और ये पानी ऊपर तब जाएगा जब आप इसको तोड़ोगे, और इसको तोड़ने के लिए हम क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर। तो यदि ये वाला लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम टेम्परेचर पर टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि अपन इसी की जगह एक दूसरा लिक्विड ले लिए जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, अब यदि आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो तो अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा थी तो इनको तोड़ने के लिए कम टेम्परेचर में काम चल रहा था, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस को हम इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस। अब ये बताओ दो पार्टिकल ले लो, हमने एक ये दोनों ले लिया और एक ये दोनों ले लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में, इसमें डिस्टेंस कम है। अब ये बताओ दोनों में किसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसको, ये, क्योंकि पास पास है तो आसानी से नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्स हमको ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्स अपने को कम देना पड़ेगा। तो ये जो वेपर प्रेशर होती है डिपेंड करता है कि लिक्विड का नेचर कैसा है, जो आप यहाँ पे ले रहे हो ना उसका नेचर कैसा है। यदि उसका नेचर मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं तो ज़्यादा वेपर बनेगी सेम टेम्परेचर पे, नहीं समझ में आया, मॉलिक्यूल पास पास है तो वेपर कम बनेगी क्योंकि पहले उसको तोड़ने के लिए काम आ जाएगा। तो पहला हमारा क्या था, नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा था हमारा टेम्परेचर। सीधी सी बात है, एक ही लिक्विड लेना है, आप 100 डिग्री दे रहे हो तो वेपर कम बनेगी, 150 दे रहे हो तो वेपर ज़्यादा बनेगी, मतलब दूसरा है कि वेपर के लिए आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर दोगे आपकी वेपर उतनी ही ज़्यादा बनती जाएगी। तो हमारा देखो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रेडी हो गया। कौन सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, राइट द 2 इफेक्ट्स। पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिख देंगे, वेपर अप्लाई प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक। फिर इसके बाद इसके 2 इफेक्ट लिख देना, पहला लिख दोगे नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा लिख दोगे टेम्परेचर। नेचर ऑफ लिक्विड में जिसके मॉलिकुलर के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा रहती है वेपर ज़्यादा बनेगी, और टेम्परेचर में लिख दोगे कि यदि आप टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं तो वेपर ज़्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। एक बार दोनों पॉइंट अब खुद से पढ़ो फटाफट। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में अपन 2 केस देखेंगे। केस फर्स्ट है वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। इस बार जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा दोनों क्या होंगे, लिक्विड होगा, या तो मिल्क होगा या तो मतलब वाटर होगा, और दोनों लिक्विड मतलब बोथ लिक्विड और वॉलेटाइल। आप ना ऑयल नहीं ले सकते हो, मतलब आपको वो वाला लिक्विड लेना है जिसका क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो बोथ आर वॉलेटाइल, मतलब जिसकी वेपर बनेगी, हाँ
कहाँ बनता है ऑयल का? हैं, ऑयल का वेपर बनता है? वो तो ऑयल का नहीं है, वो ऑयल का थोड़ी ना वेपर होता है। तेल गर्म करोगे तो वेपर नहीं बनेगा, उबलेगा, आप देखना ना उबलेगा, लेकिन वो वेपर नहीं बनाएगा। आज घर जाके ट्राई करना, उबल के कम नहीं होता, पतला जरूर हो जाएगा वो। हैं, ऑयल का वेपर कहाँ बनता भाई? हाँ मतलब नहीं, मॉलिक्यूल ज़रूर दूर दूर हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ को आप गर्म करोगे, किसी भी चीज़ को यदि आप टेम्परेचर दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो थिन हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए, तो राउल्ट्स लॉ बहुत ध्यान से समझिएगा। राउल्ट्स लॉ में अपना केस फर्स्ट है कि अपन जो सोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब कि इस बार अपन ने ये जो सोल्यूशन ले रहे हैं, इस सोल्यूशन में क्या है, दोनों लिक्विड हैं। क्या हैं? दोनों लिक्विड हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों लिक्विड हैं। अपन इसको दे रहे हैं टेम्परेचर, अपन इसको दे रहे हैं टेम्परेचर। आ जाइए केस फर्स्ट में, तो यहाँ पे आप देखो, यदि अपन बात करें दोनों लिक्विड हैं, तो जो हमारा पी सॉल्यूशन होगा, जो पी सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा, ये होगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। समझ गए? मतलब कि हम इसको बोल देंगे पी डैश ए, क्या बोल देंगे बोलो? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी डैश बी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? अब यहां पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। किसी भी एक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अभी कोई मत लिखना, मैं लिख पाऊंगा थ्योरी इसकी। क्लियर? उसके बाद देखिए, हमारा मतलब कि जो पी डैश ए है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी डैश ए क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आ जाएगा बोलो मनीष? प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आ जाएगा? पी नॉट ए। जब पार्शियल प्रेशर में प्रोपोर्शनल हटाओगे तो प्योर प्रेशर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है, इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड देखिए, पी डैश बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, बोलो धर्म इसको क्या करोगे? प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आ जाएगा? पी डैश बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, इसको दे देंगे इक्वेशन टू। अब अपन ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में पहले यहाँ पे नाम लिख दो सब क्या क्या हैं, नाम लिखना ही पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे लिख देना पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट बी लिख देना प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए लिख दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी लिख दोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू यहां रख दो। चलो बोलो, तो पी एस इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी। मनीष बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पी डैश ए की जगह क्या लिख दें? पी नॉट, है ना, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी डैश बी की जगह पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा
आप इक्वेशन क्या बोल दो इसको, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद होगा अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, याद है? तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, वन माइनस एक्स बी, और एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स ए। ठीक है, अब इसके बाद एक्स ए की वैल्यू एक बार यहाँ पुट कर दो, बताओ क्या होगा, यह हो जाएगा हमारा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अभी जो रिजल्ट निकलने वाला है, अभी 24 तारीख को जेई में आया था, यही वाला क्वेश्चन आया था, देखना। तो पी एस इक्वल टू इंटू करो पी नॉट ए का वन में इंटू करोगे तो वही आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, इसका इंटू इसमें करोगे तो पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो पी एस इक्वल टू, अपन ऐसा करें क्या, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, कोई दिक्कत, बात वही है। अब इन दोनों से एक्स बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये आया था रिलेशन बिटवीन, अभी 24 तारीख को जो एग्जाम था 24 फेब 2021 में ये पूछा गया था, और जो जेई में आ चुका है उनके नीट में आने के चांस हैं। ठीक है, तो ये अभी पूछा जा चुका था। अब सेकेंड स्टेप में अपन क्या करेंगे बताइए, क्या बंद हो गया? ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा बताइए यहाँ पे, तो हाँ सेकेंड स्टेप में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए। ये वाले का रिजल्ट जेई में आ चुका है, हो सकता है ये वाले का रिजल्ट नीट में आ जाए। ठीक है, तो पहले काम करो, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबके, पक्का आ गया अच्छे से? ठीक है, पहले थ्योरी लिखिए इसकी। हाँ लिखिए, राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर, देखो इसको अपन फिर इसके आगे कर देंगे क्या, पी एस इक्वल टू पी डैश ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए। ठीक है, करो इनटू, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर कर दो, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, एक्स ए कॉमन ले लो, पी नॉट बी प्लस एक्स ए कॉमन ले लिए तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ठीक है, इट इज एविडेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हाँ इसके नीचे से, इट इज एविडेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इट इज एविडेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ that are total vapor pressure that are total vapor pressure is a linear fraction of the mole fraction of the mole fraction x a or x b। अब किसी से देख लो, total vapor pressure is a linear fraction of the mole fraction x a or x b। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखिए, when
व्हेन एक्स इक्वल टू वन लिक्विड इज प्योर, व्हेन एक्स इक्वल टू वन लिक्विड इज प्योर। तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये होगा पी नॉट ए के इक्वल, यदि कुछ इस तरह आता है ऑब्जेक्टिव में, तो पी इक्वल टू पी नॉट ए स्पेशल केस है। क्या बोल रहे बेटा? लीनियर मोल फ्रैक्शन, लीनियर फ्रैक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। कैसे लीनियर फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ही है लीनियर फ्रैक्शन। एक कोई एक लेंगे एक्स ए या एक्स बी, लिख दिया यहां तक। When x a इक्वल टू वन तो p s इक्वल टू हो जाएगा p नॉट a, और x b इक्वल टू यदि ये वन है तो हमारा हो जाएगा p s इक्वल टू p नॉट b। ये स्पेशल केस है ना। पूछो क्यों? यदि हमारा x a वन हो गया तो क्या होता है हमारा फार्मूला, x a प्लस x b इक्वल टू वन, तो x b इक्वल टू जीरो, तो x b इक्वल टू जीरो तो पूरा ये जीरो हो जाएगा। सॉल्व करके बताऊँ क्या इसको? आ जाओ देखो यार तुम लोग भी क्या है। देखो इधर अपने तीसरा इक्वेशन क्या था बोलना, थर्ड इक्वेशन क्या था जल्दी बोलो। पी नॉट ए एक्स ए, अरे यार पी एस इक्वल टू, हाँ बोलो कोई बात नहीं बोलो, जो इस तरह की बनी थी एक और बोलो। P not A plus X B, P not B minus P not A, एक ये था है ना। चलो तो ये फिफ्थ है और ये फोर्थ था उसमें। एक और इक्वेशन थी पी एस इक्वल टू पी नॉट बी प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, कुछ ऐसा था। अब यहाँ पे ये बोला गया है लीनियर फ्रैक्शन के लिए, किसके लिए? लीनियर फ्रैक्शन के लिए ऐसे फॉर लीनियर फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू वन एक्स बी इक्वल टू वन। आ जाइए यहाँ पे रखिए पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस, है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू वन प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, वन से वन वहाँ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स बी इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंटू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, तो ये पूरा जीरो, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम इसके लिए भी हो जाएगा, तो ये उसका पी एस हो जाएगा पी नॉट बी। लिख दो इसको सॉल्व करके, लिखना और लिख दो। अभी इस पॉइंट से मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तुम लोगों को बताऊंगा मैंने वहां सिखाया था। तो लिखिए इफ बाई ए एंड बाई बी रिप्रेजेंटेड द रिप्रेजेंट द बाई ए एंड बाई बी रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग इन द वेपर फेज, रिप्रेजेंटिंग इन द वेपर, रिप्रेजेंटिंग इन द वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर ही है पी ओ यू वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए बाई ए जो हमारा यहाँ पे वो कहीं पी डैश है, वो एक ही है जहाँ पे डैश लगा है। हाँ पी डैश ए पी ए। देखो इसका ऐसे
मतलब मोल फ्रैक्शन हमेशा हम लोग गलत निकालते हैं, तो यहाँ पे होगा बाई ए इक्वल टू इसका प्रेशर अपॉन पी ए प्लस पी बी, या आप बाई ए इक्वल टू बोल सकते हो पी सॉल्यूशन, बाई बी इक्वल टू आएगा पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी एस। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था अभी किसी दिन, करवाया था क्या बाई पेपर वाला, नहीं करवाया, अच्छा उधर करवाया हूँ। ये दोनों फार्मूले लिख दो, यहाँ से नीट में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं और आईआईटी में भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसी पॉइंट से न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे अच्छे, आज ही कराऊंगा मैं द एबव। इसके बाद एक और पॉइंट लिखिए, द एबव राउल्स में बी रिटन एस, द एबव राउल्स में बी रिटन एस रिटेन एज, ऐसे लिख सकते हैं देखो पी डैश ए इक्वल टू बाई ए इंटू पी एस, और पी डैश बी इक्वल टू बाई बी इंटू पी एस, ये दोनों इक्वेशन और लिख दो। ये दो इक्वेशन और लिख दो, आ जाओ। ये हो गया केस फर्स्ट, अब इधर देखो केस सेकेंड में क्या होगा, वेपर प्रेशर फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब कि यहां पे सॉलिड सॉल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, मतलब कि इस बार जो हम सॉल्यूट वो मिला रहे हैं, शक्कर वगैरह मिला रहे हैं, जो सॉल्यूट मिला रहे हैं उसकी वेपर नहीं बनेगी। जब वेपर नहीं बनेगी मतलब पी नॉट बी इक्वल टू जीरो, हमको पहले से ही पता चल गया, क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं, जो सॉल्यूट मिला रहे हैं मतलब जो शक्कर वगैरह मिला रहे हैं उसकी वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर नहीं बनेगी तो जीरो हो जाएगा। आ जाइए अभी इधर अपना हो जाएगा, देखिए पी एस इक्वल टू पी डैश ए पी डैश बी, जल्दी जल्दी बोलते जाओ ठीक है। तो पी एस इक्वल टू, मनीष बोलो पी डैश ए को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे पहले पी डैश ए को, पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसको बोलो पी नॉट बी एक्स बी, है ना। अब यहाँ पे पी नॉट बी इक्वल टू क्या है, जीरो, तो बोलो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस जीरो इंटू एक्स बी, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो हमारा क्या बचेगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स बी। चलो तो इसको अब रख दो इस वाले में, तो हमारा क्या हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए वन माइनस एक्स बी करो इंटू, तो पी एस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब एक काम करो, ये माइनस का है इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए, यहीं रहने दो, ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस पी एस ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स बी यहीं रहने दो, तो क्या हो जाएगा इधर पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन हो जाएगा ये पी नॉट ए। यहाँ तक हमारा वैसे राउल्स लॉ कंप्लीट हो जाता है, कहाँ से, यहाँ से ये वाले एक्स ए के जगह वैल्यू इसको पुट किया ठीक है। अब चलो ये पी नॉट ए का वन में इंटू करोगे तो यही आ जाएगा, इसका इसमें इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस का है तो इधर ले आए तो प्लस का हो गया, और यहाँ पे हमने क्या किया P नॉट ए यहीं रहने दिया, ये प्लस का है तो इधर गया तो माइनस का हो गया ठीक है। नहीं आया, फिर इसके बाद P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए, क्योंकि इनटू में है तो अपॉन चला जाता है
ठीक है, ये हो गया। अब एक्स बी का फार्मूला बोलो जल्दी से, एक्स बी का फार्मूला बोलो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ एन बी लेस 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 देन एन ए, यदि एन बी बहुत कम है तो हमारा क्या बन जाएगा जल्दी बोलो, तो हम एन बी बहुत कम है तो इसको हम लगभग जीरो मान देंगे, तो हमारा हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब इनको सॉल्व, अभी जो जेई में अभी फिर वो अभी उसके बाद जो एग्जाम था ना वहाँ भी आया, मैं इसको बताता हूँ। तो एन बी और एन ए की वैल्यू रखो, बोलो क्या होगा, एन बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। चलो मनीष बातें नहीं बेटा, रखो एन बी की वैल्यू रखो फटाफट, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ना बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, अपॉन के अपॉन तो ऊपर चला गया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा फिर यही बचेगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस वाले से भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो मैं अभी क्वेश्चन दूंगा तुमसे पूछा जाएगा एम ए, अभी मैं जस्ट क्वेश्चन दूंगा यही फार्मूला लगेगा, बेंजीन और टॉल्यून लूंगा तो तब तुमसे पूछा जाएगा एम ए, सारी वैल्यू दी रहेगी ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू तुमको दी है 0.00713, अभी करवाने वाला हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट, क्या राउल्ट्स लॉ बहुत इजी है, और अच्छी बात यह है कि देखो चीज़ बहुत इजी है लेकिन बहुत बड़ा है, तो 5 नंबर का आ सकता है, पूरा लिखोगे बढ़िया, एक एक नंबर